हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो पिछले क्लास में हम लोग साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा ये सबका फॉर्मूला डिराइव किए थे और उसका एप्लीकेशन देखे थे। सो यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके देख सकते हो। सो आज के क्लास में भी उसी को ही हम कैरी करेंगे। सो लेकिन डिफरेंट टॉपिक होगा, दैट इज फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एंगल विच आर मल्टीपल ऑफ 18। सो बने रहना मेरे साथ। सो पहला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज मल्टीपल ऑफ 18। मल्टीपल ऑफ 18 क्या क्या है? दैट इज 18 है, 36 है, 54 है, 72 है, 90 है। ठीक है, इनमें से नोटिस करो 90 हमें पता है, लेकिन बाकी दोनों, बाकी चार नहीं पता है, बाकी चार हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें से भी नोटिस करो, अगर ये दोनों को मैं ऐड करता हूं तो 90 आता है, इवन ये दोनों को भी ऐड करता हूं तो भी 90 आता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को पकड़ा पहले, दैट इज 36 प्लस 54 इज इक्वल टू 90। मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज 2 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 90। और मैंने क्या किया, 18 को ए कंसिडर कर दिया, लेट 18 इज इक्वल टू ए, ताकि इजी हो जाए। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, 18 को ए पकड़ा, तो इसको मैंने लिखा 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 90। अब मैंने क्या किया, 2a को उस तरफ ले लिया, दैट इज 3a इज इक्वल टू 90 माइनस 2a, और दोनों तरफ cos अप्लाई कर दिया। ठीक है, cos अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 3a और ये होगा cos 90 माइनस 2a। आप लोग पढ़ चुके हो cos 90 माइनस थीटा, दैट इज sin थीटा होता है। अब cos 3a का फॉर्मूला हम लोग वो भी पढ़ चुके हैं, दैट इज 4 cos qa माइनस 3 कॉस है। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन 2a ले ली। अब इसका भी फॉर्मूला, इसमें से कॉस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो कॉस कॉमन लूंगा तो बचेगा मेरे पास 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। ठीक है, और इस तरफ लूंगा तो 2, यहां पे फॉर्मूला पुट कर देता हूं, दैट इज 2 साइन a कॉस a। तो नोटिस करो, ये कॉस है और ये कॉस है, कैंसल आउट हो गया। अब यहां पे साइन ए है, यहां पे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला पुट कर देता हूं, दैट इज क्लियरली 4 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले जाता हूं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, अब सबको उस तरफ ले जाता हूं तो क्लियरली आएगा साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज 1, उस तरफ गया तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब नोटिस करो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया, दैट इज जनरल फॉर्मेट। हमें पता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू हमने पढ़ा था, दैट इज माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय रूट ओवर बाय 2a। ठीक है, यही फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, लेकिन नोटिस करो यहां पे x के बदले साइन है, तो यहां पे साइन a आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं साइन a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया हमारा a साइन स्क्वायर a का कोफिशिएंट, दैट इज a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो पुट कर देते हैं b दैट इज माइनस को माइनस, b दैट इज 2 प्लस और माइनस, b का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 1, a मतलब 4 और c मतलब माइनस 1। नोटिस करो यहां पे, ठीक है, और उसका रूट ओवर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ए की वैल्यू दैट इज 4। सो सॉल्व करते हैं इसे, दैट इज माइनस 2 प्लस और माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस, 4 4 जाए 16 बाय 8। तो ये हो गया माइनस 2 प्लस और माइनस 20 का रूट और अगर करते हैं तो क्लियरली आएगा दैट इज 2 रूट 5, 4 5 जाए 20 अपॉन 8। तो यहां पे दो वैल्यू है, एक है प्लस और एक है माइनस, तो हमें करना क्या है, दो वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज साइन ए इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 रूट 5,
बाय 8, दूसरा वैल्यू दैट इज साइन ए इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 रूट 5 बाय 8। अब मैंने क्या किया, नोटिस करो यहां पे हमने कंसिडर किया था लेट ए इज इक्वल टू 18, अब मैंने ए की जगह रिप्लेस कर दिया 18, तो साइन 18 हो जाएगा, इसको 2 से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो क्लियरली आएगा रूट 5 माइनस 1 बाय 4, इसको भी अगर करते हैं तो दैट इज आ जाएगा साइन 18 इज इक्वल टू आएगा दैट इज माइनस रूट 5 माइनस 1 बाय 4। तो नोटिस करो रूट 5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगा, माइनस 1 करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, ये सेगमेंट आया पॉजिटिव, बट ये तो दोनों के दोनों नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्लियरली साइन 18, 18 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है दैट इज 0 से लेके 90 और 18 यहां यहीं पे कहीं पे होगा 18, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होना चाहिए वैल्यू। तो यहां पे दो वैल्यू आ रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो नेगेटिव तो डेफिनेटली होगा नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, तो फाइनल हमें मिल गया दैट इज साइन 18 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाय 4। ठीक है, तो नोटिस करो अगर साइन 18 ये रहा, साइन 18 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं दैट इज साइन 90 माइनस 72 लिख सकता हूं, 18 को 90 माइनस 72 और साइन 70 साइन 90 माइनस थीटा दैट इज क्या होता है कॉस थीटा कॉस 72, तो क्लियरली साइन 18 की वैल्यू जितना रहा कॉस 72 की वैल्यू भी उतना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बाकी भी वैल्यू ढूंढते हैं दैट इज कॉस 36 ढूंढता हूं मैं, सो क्लियरली हो जाएगा कॉस 36, हाँ साइन 18 हो गया तो कॉस 18 भी ढूंढ लेते हैं, कॉस 18 का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, ठीक है दैट इज हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, तो इसका स्क्वायर करना है दैट इज रूट 5 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर और फिर उसका रूट ओवर। ठीक है, तो इसको अगर करते हैं तो 1 को 1 रहा, इसका पूरा मैं करता हूं दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय 16। ठीक है, फिर रूट ओवर और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्लियरली ये आ जाएगा, देखो एलसीएम ले लेंगे तो 16 और ये हो गया माइनस 6, ये हो गया प्लस 2 रूट 5 बाय 16 का रूट ओवर और फाइनल वैल्यू मिल गया हमें दैट इज 16 माइनस 6 दैट इज 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 इसका रूट ओवर। ठीक है, ये वैल्यू हो गया किसका दैट इज कॉस 18 का। ठीक है, सो नोटिस करो हमने ढूंढ लिया साइन 18 की वैल्यू दैट इज रूट 5 माइनस 1 बाय 4 और साइन 18 की वैल्यू कॉस 72 के बराबर है, इवन हमने कॉस 18 भी ढूंढा दैट इज 10 प्लस 2 रूट 5 का रूट ओवर अपॉन 4, कॉस 18 दैट इज किसके बराबर होगा साइन 72। तो हमने लिखा है टॉपिक में दैट इज मल्टीपल ऑफ 18, मल्टीपल ऑफ 18 मतलब क्या हो गया 18 36 54 72, तो हमने 18 और 72 ढूंढ लिया, बचा 36 और 54, तो वो ढूंढते हैं पहले दैट इज कॉस 36, सो कॉस 36 को नोटिस कर मैं क्या लिख सकता हूं दैट इज कॉस 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, मतलब हो गया कॉस 2 थीटा, सो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है दैट इज कॉस 2 थीटा, नोटिस करोगे तो फॉर्मूला तो 4 था, मैं 2 लिखता हूं दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बेटर कौन सा है, अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा तो ये है ये तुम्हें डालना पड़ेगा, लेकिन अगर साइन थीटा है तो ये डालना पड़ेगा, बेटर ये रहेगा इजी रहेगा। ठीक है, उसको ही वही उसको ही डाल देते हैं दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट 5 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर करते हैं दैट इज 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 बाय 16। ठीक है, अब इसको नोटिस करो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा दैट इज 8, फिर एलसीएम ले लो तो 8 माइनस 6 माइनस 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 प्लस 2 रूट 5 बाय 8, तो 8 माइनस 6 दैट इज 2 प्लस 2 रूट 5 बाय 8
और अगर 2 कॉमन लेके रिड्यूस कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा रूट 5 प्लस 1 बाय 4। सो क्लियरली cos 36 की वैल्यू हो गया दैट इज रूट 5 प्लस 1 बाय 4, या मैं इसको लिख सकता हूं sin 54। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया। सिमिलरली हम लोग दूसरा निकाल सकते हैं दैट इज sin 36। क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, साइन 36 मतलब हम डाल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 36 का रूट ओवर। ठीक है, तो पुट करो दैट इज 1 माइनस कॉस 36 की वैल्यू ये रहा रूट 5 प्लस 1 बाय 4 उसका स्क्वायर और रूट ओवर। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस साइन 36 इज इक्वल टू 1 को 1 रखता हूं और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट 5 बाय 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और इसका होल रूट ओवर। तो एलसीएम ले लूंगा तो ये हो गया 16 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 बाय 16। ठीक है, होल रूट ओवर। अब 16 माइनस 6 दैट इज 10 माइनस 2 रूट 5 उसका रूट ओवर कर दिया और इसका रूट ओवर निकाल दूंगा तो आंसर मिलेगा 4। तो क्लियरली हमें मिल गया साइन 36 की वैल्यू दैट इज 10 माइनस 2 रूट 5 उसका रूट ओवर बाय 4 जो कि किसके बराबर होगा कॉस 54 के बराबर। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग बाकी ये तो साइन 18 कॉस 18 कॉस 36 ये सब निकाल लिए, टेन में भी निकाल सकते हैं दैट इज टेन हो जाएगा। तो पूरा डिटेल में सब लिख देते हैं, साइन 18 साइन 18 की वैल्यू किसके बराबर कॉस 72 के बराबर दैट इज रूट 5 माइनस 1 बाय 4। ठीक है, सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला दैट इज लिखते हैं कौन सा कॉस 36 कॉस 36 और साइन 54 ये दोनों हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 बाय 4। ठीक है, सिमिलरली हम बाकी लिखते हैं दैट इज साइन हो गया कॉस 18 लिखते हैं, कॉस 18 की वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर साइन 72 के बराबर, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4 और 10 प्लस रूट 5 2 रूट 5 का रूट ओवर होगा। ठीक है, फिर कॉस 18 हो गया साइन 72 हो गया और फिर लिखते हैं साइन 36 की वैल्यू किसके बराबर कॉस 54 के बराबर। ठीक, तो इसकी वैल्यू भी हो गया हमने ये निकाला दैट इज 10 माइनस 2 रूट 5 उसका रूट ओवर बाय 4। ये चार वैल्यू हमने निकाल दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग tan 18 भी निकाल सकते हैं दैट इज tan 18 sin बाय cos होगा, ये नहीं बताओ sin बाय cos। तो नोटिस करो दिस बाय दिस अगर करते हैं तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपल मिलेगा हमें रूट 5 माइनस 1 बाय रूट ओवर ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया tan 18 जिस जो कि किसके बराबर होगा नहीं, और अगर tan 72 लिखना है tan 72 तो tan 72 में क्या हो जाएगा नोटिस करो, ये हो गया sin 72 ये cos 72 तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज tan 10 प्लस 2 रूट 5 उसका रूट ओवर डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं tan 36 tan 36 मतलब sin 36 sin 36 अपॉन cos 36 तो साइन 36 की वैल्यू ये है और कॉस 36 की ये है तो ये कैंसल आउट हो गया 4 कैंसल आउट हो जाएगा तो मिलेगा 10 माइनस 2 रूट 5 का रूट ओवर डिवाइडेड बाय दैट इज आएगा क्या होता है रूट 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस 1 और tan 54 क्लियरली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज हो जाएगा क्या बताओ रूट 5 प्लस 1 बाय 10 माइनस 2 रूट 5 उसका रूट ओवर। ठीक है, तो ये सारे हो गए
हमारा दैट इज 18 के मल्टीपल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमने कुछ फॉर्मूले, ये सारे वैल्यू लिख दिया है मैंने, इसका यूज देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इफ 15 थीटा इज इक्वल टू पाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, या फाइंड द वैल्यू या फिर प्रूव दैट बोल सकते हो, फाइनली 1/128 आएगा। अगर कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, कॉस 6 थीटा, कॉस 7 थीटा, ये कितना होगा हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नोटिस करो यहां पे एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज इफ कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा होता है, तो इसका फॉर्मूला है 1/4 कॉस 3 थीटा। मतलब यहां पे जो होगा, यहां पे 60 माइनस उसका होगा थीटा होगा, यहां पे 60 प्लस थीटा, तो तुम्हें हमें करना क्या है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 कॉस थ्राइस ऑफ थीटा, यहां पे जो होगा उसका थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह मैं इसको अरेंज करने की कोशिश करता हूं, तो ये हमें जो गिवन दिया उसको मैं लिखता हूं, दैट इज 15 थीटा इज इक्वल टू पाए, तो सिंपली थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाए बाय 15, दैट इज 180 अपॉन 15, तो 15 वन्स आर और 15 टूज आर, तो क्लियरली हमें जो थीटा गिवन है दैट इज वो 12 डिग्री है, ठीक है। तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूं, तो ये हो गया कॉस 12, ये हो गया कॉस 24, ये हो गया कॉस 36, ये हो गया कॉस 48, ये हो गया कॉस 60, ये हो गया कॉस 72 और ये हो गया कॉस 84, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, नोटिस करो यहां पे थीटा था तो 12 डायरेक्टली लिखा, यहां पे 2 थीटा है तो 2 इंटू 12 दैट इज 24, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 12 60, 6 इंटू 12 72, 7 इंटू 12 84। तो cos 60 की वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज हाफ, वो बाहर निकाल लेते हैं, तो cos 60 की वैल्यू हो गया हाफ। अब देखो अरेंज मैं कैसे करता हूं, तो यहां पे हो गया 12, ये नोटिस करो ये 60 माइनस 12 बोल सकते हैं क्या, और इसको 60 प्लस 12 बोल सकते हैं, तो ये तीनों को साथ में लिखता हूं, दैट इज cos 12 cos 48 cos 72, इन तीनों को साथ में रखा मैंने। फिर सिमिलरली नोटिस करो, ये देखो ये 24 cos 24, ठीक है, और ये देखो cos 84 दैट इज 60 प्लस 24, फिर इसको भी नोटिस करो दैट इज 60 माइनस 24 ये है, तो इन तीनों को साथ में लिख देता हूं, दैट इज cos 24 cos 36 एंड cos 84। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसको लिख देते हैं, दैट इज 1/2 cos 12 को 12 रखता हूं, इसको मैं लिखता हूं 60 माइनस 12, इसको मैं लिखता हूं 60 प्लस 12, ठीक है। फिर ये सेगमेंट को भी वैसे लिखता हूं, दैट इज cos 24 और cos 60 माइनस 24 इंटू cos 60 प्लस 24, ठीक। तो नोटिस करो ये हो गया थीटा, तो ये 60 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आ गया, नोटिस करो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हमने सजा दिया है, दैट इज थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, सेम यहां पे cos थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 1/4 cos 3 थीटा, पुट कर देते हैं, तो 1/2 को 1/2 रखा और इन तीनों के जगह पे मैंने लिख दिया 1/4 cos 3 into theta that is 12 into, यहां पे भी वैसे ही that is 1/4 cos 3 into theta, ये ही theta है, तो 3 into 24, तो ये हो गया 4 2s are 8, 8 4s are 32, तो ये मैं बाहर निकाल साइड में रख देता हूं 1/32, तो बचा cos 36 एंड cos 72। अब तो cos 36 और 72 18 के मल्टीपल है, जिसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, दैट इज cos 36 की वैल्यू ये है,
cos 72 की वैल्यू ये है, बस डाल दो, दैट इज हो जाएगा 1/32 इंटू कॉस 36, दैट इज हो जाएगा cos 36 हो जाएगा रूट 5 प्लस 1/4 एंड cos 72 की वैल्यू है रूट 5 माइनस 1/4। ठीक है, अब नोटिस करो ये हो गया 32, 4 ये पूरा क्या है मल्टीप्लाई करो, दैट इज 4 2 4 4 16 16 2 32। ठीक है, 16 3 48 प्लस 3 48 प्लस 3 दैट इज 512। यहां पे a प्लस b, a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्लियरली 5 माइनस 1 तो 1/512 4। ठीक है, तो इसे रिड्यूस कर दोगे तो आ जाएगा 1/128। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।